हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक होटल बुकिंग की शानदार वेबसाइट बनाना बिल्कुल आसान, यानी कि आप HTML और CSS का यूज़ करके इसको बनाने वाले हैं। तो आप चलिए सीखना शुरू करते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी इसके पहले, जो कि कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट थी, द भास्कर होटल के नाम से। और ये वेबसाइट भी हमने आपको यहाँ पर ये बनाना आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, और यहाँ पर बैकग्राउंड में देखिए कैसा है, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, फिर द भास्कर होटल यहाँ पर साइड में दिख रहा है, यहाँ पर बुक नाउ, यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ, ये हमने आपको बनाना सिखा दिया हुआ है। अब आपको मैं कुछ इस तरह से फ्रेम तो बनाना सिखा है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ दूसरी स्टाइल में भी सिखाऊँ। तो यहाँ पर हम दूसरी स्टाइल जो हमारी है वो कुछ इस तरह से है। तो अब यहाँ पर साइड में आपको यहाँ पर अब द यहाँ पर द डेविड होटल मिल रहा है, फिर यहाँ पर बुक नाउ, इसमें कुछ कलर हमें दिख रहा है यहाँ पर बुकिंग, यहाँ पर बुक नाउ के लिए होम, मीनू, FAQ, कॉन्टैक्ट, ये सभी चीज़ें बैकग्राउंड यहाँ पर है। तो इस तरह से बनाने, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ है कि हमने यहाँ पर लॉगिन पेज बनाया हुआ है। तो लॉगिन पेज जैसे यहाँ पर ये देखिए लॉगिन पेज है, जैसे मैं इसमें लिखूँगा डेविड होटल, जो कि हमारे इसका यूज़र नेम है। तो जैसे ही मैं लिखता हूँ डेविड होटल और यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करता हूँ, तो फिर मैं अब यहाँ पर लॉगिन करूँगा, तब उस वेबसाइट पर पहुँचूँगा। ये देखिए लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। तो इस तरह से आपको कैसे बनाना है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो ये लॉगिन पेज जो है वो इस वेबसाइट का, यानी कि ये वाली वेबसाइट और जो हमने आपको यहाँ पर पहले सिखाई हुई ये वाली वेबसाइट, दोनों में हमने कॉमन दिया हुआ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ लॉगिन पेज की। लेकिन अगर आपको लॉगिन पेज कैसे बनाना है और इसके साथ अटैच कैसे करना है वो आपको अच्छे सीखना है, तो आप ये वाला वीडियो जो है द भास्कर होटल वाली, यानी कि इस वीडियो को जस्ट पहले वाला वीडियो, आप उसको ज़रूर देखिए। तो द भास्कर होटल के जो वेबसाइट है मैंने, वहाँ पर आप लॉगिन पेज भी सीख सकते हैं, और अगर आपने ये वेबसाइट बनाना नहीं सीखी तो इसको भी सीख लीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा बात करता हूँ लॉगिन पेज के बारे में। यहाँ पर देखिए लॉगिन पेज के लिए सबसे पहले आपको HTML CSS के बारे में बात करने की जरूरत नहीं, सीधे मैं स्टाइल टैग में आता हूँ। और यहाँ पर स्टाइल के अंदर देखिए हमने क्या दिया हुआ है, स्टाइल के अंदर हमने दिया हुआ है एक हमने बॉडी लिया हुआ है, यहाँ पर बॉडी के लिए बैकग्राउंड इमेज हमने लगा दिया, और यहाँ पर इमेज का यहाँ पर लोकेशन में दिया हुआ है, और .jpg के नाम से यहाँ पर हमने सेव कर दिया हुआ। फिर एक हमने क्लास यहाँ पर बनाई .label के नाम से, यहाँ पर क्लास दी हुई है, और इस क्लास के अंदर हमने कलर दिया हुआ है रेड, और फॉन्ट साइज यहाँ पर कर दिया है 40 पिक्सल। ठीक इसी तरह से दूसरी क्लास हमने बनाई .sanu के नाम से, और यहाँ पर कलर हमने दिया हुआ है ब्लू, और फॉन्ट साइज इसका कर दिया है 40 पिक्सल, और स्टाइल को कर दिया है यहाँ पर फिर क्लोज। तो दो क्लास हमारी बन गई .label और .sanu, इसके अंदर हमें दिया और यहाँ पर बैकग्राउंड हमने ले लिया, ये इतना काम यहाँ पर हमने किया। अब इसके बाद अब हमने क्या दिया हुआ है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। इसके बाद हमने लिया हुआ है सेंटर टैग, यानी कि सेंटर टैग यहाँ से हमारा यहाँ पर क्लोज होता है, यानी कि जो चीज़ें मैं बीच में लिखूँ वो सभी चीज़ें, यानी कि सेंटर के बीच में जो चीज़ें लिखूँ वो आपको पूरा स्क्रीन के बीच में दिखे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए मारिक्यू भी लिया हुआ है। तो मारिक्यू का मतलब क्या हुआ, मारिक्यू का मतलब ये हुआ कि वेलकम टू द डेविड होटल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, वो आपको मारिक्यू यानी कि वो आपको चलता हुआ मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए वेलकम टू द डेविड होटल यहाँ पर जो लिखा वो आपको यहाँ पर चलता हुआ मिल रहा है टेक्स्ट। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया हुआ है, मारिक्यू डायरेक्शन यूज़ किया हुआ है। तो मारिक्यू डायरेक्शन में यहाँ पर दिया, देखिए यहाँ पर हमने मारिक्यू यूज़ किया। अगर आप यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पर अगर आप राइट करेंगे, देखिए मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर राइट किया तो अब वहाँ पर वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर भी लेफ्ट से जा रहा है, देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा तो राइट से आने लगा। यहाँ पर ये देखिए भी राइट से इधर निकलने लगा, लेकिन ये हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा लग रहा है, क्योंकि पहले आता है फिर होटल आता है फिर डेविड आता है ऐसे। उस तरह से हमने इसको यहाँ पर कर दिया वापस से लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका अर्थ यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर देखिए मारिक्यू यहाँ पर दिया हमने, यहाँ पर क्लोज किया हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसके बीच में हमने दिया हुआ है H1 के अंदर हमने स्टाइल लगाई, और स्टाइल में हमने यहाँ पर वेलकम टू द डेविड होटल यहाँ पर दे दिया, H1 को हमने कर दिया यहाँ पर क्लोज। तो कुछ इस तरह से करने पर देखिए वेलकम टू डेविड होटल इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, मारिक्यू के अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर मारिक्यू डायरेक्शन यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा, मैं रिफ्रेश करूँगा वापस लेफ्ट से चलने लगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट से चलने लगा। तो ये चीज़ होता है मारिक्यू। इसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड, और ये पासवर्ड फील्ड, और यूज़र नेम फील्ड, और लॉगिन और साइन अप, ये चीज़ कैसे करना है। तो चलिए यहाँ पर देखता हूँ आपको, एक फॉर्म आपको ले लेना है यहाँ पर। फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक क्लास हमने लिखा, क्लास अप्लाई कर दी लेबल। अब लेबल जो क्लास हमने यहाँ पर अभी बनाई हुई थी, यहाँ पर ये देखिए इसमें कलर रेड रहेगा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, यानी कि लेबल क्लास के अंदर जो भी चीज़ें मैं लिखूंगा वो रेड कलर में आएगा, फॉन्ट साइज उसका रहेगा 40 पिक्सल। तो अब मैं बार बार जिससे मैं ना करना पड़े इसलिए हमने वहाँ पर एक क्लास बनाई हुई। फिर यहाँ पर लेबल हमने लिया, लेबल हमने किसके लिए लिया, यूज़र नेम के लिए लिया। तो यहाँ पर लिख दिया लेबल फॉर यूज़र नेम। फिर आप यहाँ पर यूज़र नेम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर बी टैग लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है बी टैग, बी टैग इसलिए लिया क्योंकि मैं यूज़र नेम को बोल्ड रखना चाहता हूँ, कि ये जो दिखे यूज़र नेम वो बोल्ड दिखे। तो इसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर इसके में क्या रख दिया, वाइट रख दिया, और यहाँ पर कर दिया लेबल क्लोज। अब देखिए ये बोल्ड दिखेगा, यूज़र नेम का बैकग्राउंड कलर हमें वाइट दिखेगा। यहाँ पर ये देखिए यूज़र नेम का बैकग्राउंड कलर वाइट दिख रहा है। सेम इसी तरह से हम पासवर्ड के लिए भी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर यूज़र नेम फील्ड हम तैयार कर लें।
तो यूजर नेम यहाँ पर एक इनपुट लेना है आपको, इनपुट टाइप में आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है और आईडी में हमने यहाँ पर दिया यूज़र नेम और यहाँ पर नेम में कर दिया यूज़र नेम। तो आपको इस तरह से ये लिखने पर आपको यहाँ पर तैयार हो जाता है इनपुट फील्ड, आपको यहाँ पर तैयार हो जाती है। फिर इस तरह से दूसरा पासवर्ड के लिए क्या करना है आपको, पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर br टैग लिया क्योंकि जो हमें नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसी तरह से सेम अब लेबल हमें किसके लिए एक और लेना है लेबल, जैसे हमने यूज़र नेम के लिए सेम लेबल फॉर हमने यहाँ पर पासवर्ड के लिए कर दिया और यहाँ पर पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड को भी हमें बोल्ड दिखाने है, इसलिए हमने यहाँ पर बी टैग ले लिया और बी टैग के अंदर हमने स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर दी बैकग्राउंड कलर व्हाइट और यहाँ पर कर दिया लेबल को क्लोज। सेम इसी तरह से इनपुट टाइप में हमने यहाँ पर दिया पासवर्ड, आईडी का हमने PWD दे दिया और यहाँ पर नेम PWD और यहाँ पर मिनिमम लेंथ हमने 8 दे दी और यहाँ पर BR को कर दिया क्लोज। तो आपकी कुछ इस तरह से करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड भी तैयार हो जा रहा है, जो कि ये वाला कोड हमें लिखा था सेम उसके तरह से आपको पासवर्ड फील्ड ये वाला तैयार करना है। सॉरी फील्ड के लिए तो नीचे वाला कोड है इनपुट टाइप, और इनपुट के लिए हमें यहाँ पर इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, नेम PWD और यहाँ पर मिनिमम लेंथ हमने दे दी 8 कैरेक्टर की। तो इस तरह से करने के बाद आपका यहाँ पर पासवर्ड फील्ड और यहाँ पर ये तैयार हो जाता है। अब लॉगिन और साइन अप, मेन चीज़ आपको यहाँ पर है इस पेज में लॉगिन के लिए। तो लॉगिन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लॉगिन और साइन अप आप बटन पहले बना लीजिए एक। तो यहाँ पर एक हमने क्या दे दिया, यहाँ पर बटन लिया हमने, बटन का टाइप यहाँ पर सबमिट दे दिया और क्लास यहाँ पर अप्लाई कर दी हमने लेबल, जो कि हमने लेबल क्लास अप्लाई की हुई वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर हमने आपको लॉगिन लिखना है और लॉगिन के बाद यहाँ पर बटन को कर देना है क्लोज। अब सेम जैसे हमने यहाँ पर पासवर्ड लिखा सेम हमने यहाँ पर लॉगिन लिखा और यहाँ पर इनपुट टाइप में हमने सबमिट कर दिया, यहाँ पर इनपुट टाइप में पासवर्ड लिखा था। तो इस तरह से करने पर देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना, इतना तो कर लिया लेकिन जैसे हमने यहाँ पर यूज़र नेम को हमने बोल्ड किया था, जैसे यहाँ पर देखिए यूज़र नेम के पहले हमने बी टैग लगाया हुआ है इसको बोल्ड करने के लिए, तो सेम अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ए टैग लगाएंगे और उसके पहले लॉगिन के अंदर हमें लिंक लगाना है। तो इसलिए हम सेम लॉगिन के जस्ट पहले ए टैग लगाएं, यानी कि एंकर टैग हमारा लिंक का होता है और यहाँ पर ए करने के बाद HREF लिखेंगे हम और यहाँ पर टूर एंड ट्रेबल्स .html के नाम से ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर बनाई हुई है, तो हमने उसका यहाँ पर लिंक दे दिया। आप एक बार फिर समझिए, जैसे हमने यूज़र नेम दिया था और यूज़र नेम को हमने क्या दिया था, यहाँ पर बोल्ड किया था हमने, यूज़र नेम हमारा बोल्ड दिखे और इसलिए हमने यहाँ और बैकग्राउंड में कलर हमारा वाइट रहे, तो हमने इसके लिए इसके पहले कोड लगाया और यहाँ पर यूज़र नेम के बाद इस बी टैग को कर दिया क्लोज। सेम इसी तरह से अब हम ये बी टैग में काम नहीं करेंगे, हम ये ए टैग में काम करेंगे, यानी कि हमें लिंक देना है। तो ए टैग दिया और HREF लिखने के बाद यहाँ पर हमने लिंक लगाया और फिर इसको लॉगिन के बाद हमने जैसे यहाँ पर बी टैग क्लोज किया था उसी तरह से सेम हमने यहाँ पर ए टैग को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पर आपकी लिंक लग चुकी है, तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आप जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर यूज़र नेम डालिए, यहाँ पर डेविड सोटल हमारी इसका नाम, यहाँ पर यूज़र नेम हमने दिया हुआ है तो डेविड सोटल हमने यहाँ पर दिया और जैसे ही मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और फिर लॉगिन में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर उस वेबसाइट में मैं पहुँच रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हमारी लिंक लग चुकी है। तो इसी तरह से ये लॉगिन बटन काम करता है। तो इसके बाद एक और बटन लेना आपको, बटन टाइप सबमिट और क्लास यहाँ पर हमने सनु अप्लाई कर दिया और यहाँ पर साइन अप लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने लॉगिन के ठीक पहले यहाँ पर लिंक लगाया था तो यहाँ पर ये हमारा काम करेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए साइनअप के पहले हमने कोई चीज़ें नहीं लिखी। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैंने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ क्योंकि आपको जिससे कि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं साइनअप में क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ये देखिए से हमारे यूजर नेम पासवर्ड हमने जो लिखा था वो भी हट चुका है और यहाँ पर कुछ यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर ये देखिए, तो लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ अगर यहाँ पर यूज़र नेम डालने के बाद तो हमारे हमें ये दूसरे पेज तक ले जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है उसका वहाँ पर लिंक दी हुई है डेविड सोटल, यहाँ पर हमारी लिंक है और यहाँ पर मैं अपना दे देता हूँ पासवर्ड और अब लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए लॉगिन हो चुका है। तो अब ये आपको समझ में आ चुका होगा लॉगिन बटन और कैसे लिंक करना है। अब सीधे मैं चलता हूँ अपने वेबसाइट पर, तो वेबसाइट हमारी जो है उस वेबसाइट में मैं चलता हूँ, आपको वहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेबसाइट का समझा दूँगा कि ये जो वेबसाइट लॉगिन तो हमने कर लिया, अब लॉगिन के बाद ये जो आपका पेज बन रहा है इसको आपको कैसे बनाना है, यानी कि ये आपका होम मेन्यू FAQ कॉन्टेक्ट, ये आपको टेक्स्ट द डेविड सोटल, इसके बाद प्लीज़ बुक योर रूम ऑनलाइन 100% फैसिलिटी और यहाँ पर क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर बुकिंग और ये जो बटन की आपको खूबसूरती यहाँ पर दिख रही है, यानी कि ये ऑरेंज और ब्लू आपको यहाँ पर कलर ज़्यादा शो हो रहा है और यहाँ पर बुक नाउ लिखा हुआ है, तो ये आपको कैसे करना है। एक चीज़ आपको मैं और यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगा कि जैसे बुक नाउ में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो चीज़, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी पहले इसको समझा देता हूँ आपको एक बार। तो यहाँ पर देखिए मैं उस वेबसाइट के कोड पर आ चुका हूँ,
तो यहाँ पर देखिए स्टाइल में हमने क्या लिया हुआ है, अब यहाँ समझिएगा। तो स्टाइल में हमने दिया हुआ है यहाँ पर बॉडी के लिए हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रंट साइज हमने यहाँ पर रख दिया है 20 पिक्सल। इसको मैं इधर कर देता हूँ, फ्रंट साइज हमने बॉडी के लिए 20 पिक्सल, यानी कि जो भी चीज़ें मैं बॉडी में लिखूँ उसकी साइज 20 पिक्सल हो जाए। कलर यहाँ पर हमने इसका वाइट दे दिया, टेक्स्ट का कलर होता है ये हमारा। फिर यहाँ पर बैकग्राउंड साइज हमने यहाँ पर कवर कर दी है और बैकग्राउंड का कलर हमने कर दिया यहाँ पर येलो, और यहाँ से ये हमारा कर्ली ब्रेस कर दिया क्लोज। अब एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई है डॉट बॉक्स के नाम से, इन क्लास को मैं वहाँ पर अप्लाई करूँगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी क्लास हमने बनाई केवल डॉट बॉक्स के नाम से। और इसका विड्थ हमने क्या कर दिया हुआ है, विड्थ हमने कर दिया हुआ है यहाँ पर देखिए इसका 90 पिक्सल, और फ्लोट हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है राइट, और यहाँ पर बॉर्डर हमने दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पर कर दिया दूसरा कर्ली ब्रेस को क्लोज। अब यहाँ पर डॉट बॉक्स और यूएल और एलआई, यानी कि डॉट बॉक्स के अंदर ही यूएल यानी कि अनऑर्डर लिस्ट होता है हमारा, और एलआई यानी कि लिस्ट आइटम होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो यूएल और एलआई के लिए हमने विड्थ कर दी है 120 पिक्सल, फ्लोट हमने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया है, और मार्जिन हमने 10 पिक्सल ऑटो कर दिया है, और यहाँ पर टेक्स्ट एलाइन हमने कर दिया इसको सेंटर। अब ठीक इसके बाद डॉट मेन मेन्यू के लिए हमने क्या क्लास बनाई हुई है, ये सभी हमारी क्लासेस हैं, ये भी अप्लाई होंगी वो आपको वहाँ पर समझ में आएगा। अभी आपको समझते चले जाए हमने कि मेन मेन्यू के लिए क्या लिखा हुआ है। डॉट मेन मेन्यू के लिए हमने लिखा हुआ मैक्स विड्थ हमने 1250 कर दिया हुआ है यहाँ पर पिक्सल, मार्जिन यहाँ पर ऑटो कर दिया हुआ है, और डिस्प्ले हमने यहाँ पर फ्लेक्स किया हुआ है, एलाइन हमने आइटम यहाँ पर सेंटर किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी कि मेन मेन्यू में ये चीज़ें जो है देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ जैसे कि होम मेन्यू और FAQ और कॉन्टेक्ट, ये जहाँ पर लिखा हुआ है तो वहाँ पर मैं वो चीज़ें स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर स्पेस जो है वो स्पेस के लिए है, यानी कि होम और मेन्यू के बीच में स्पेस, मेन्यू FAQ के बीच में स्पेस, और FAQ और कॉन्टेक्ट के बीच में स्पेस रहे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने कर दिया वो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, पैडिंग यहाँ पर 0 पिक्सल कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। ये बैकग्राउंड कलर हमारा येलो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बैकग्राउंड कलर येलो दिख रहा है, तो आपको कुछ इसी तरह से करना है। उसके लिए ये कोड लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से हमारा कर्ली ब्रेस होता है क्लोज। अब इसके बाद चलिए मैं आगे दिखाता हूँ आपको दूसरा जो मेन मेन्यू ए के लिए है। अब यहाँ पर भी हमने कुछ लिखा हुआ एंकर टैग के लिए, तो डॉट मेन मेन्यू ए, और यहाँ पर और फिर हमने इसका कर दिया है हॉवर कर दिया डॉट मेन्यू में ऑवर, और यहाँ पर डॉट मेन मेन्यू इमेज के लिए हमने यहाँ पर पोजीशन क्या कर दी, यहाँ पर फिक्स कर दिया पोजीशन, और जेड इंडेक्स से हमने इसमें एक क्या किया है डिक्रीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अभी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे मैं आपको नीचे समझाऊंगा तो वो आपको सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, आप बस देखते चले जाइए। जेड इंडेक्स के लिए हमने एक डिक्रीमेंट किया है, वो कैसे किया हुआ है वो आपको आगे समझ में, आप आउटपुट देखेंगे आप तो आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर टॉप से हमने यहाँ पर 0 पिक्सल कर दिया है, और लेफ्ट से 0 पिक्सल भी दिया हुआ है, और विड्थ हमने 100 पिक्सल, और हाइट हमने 100 VH कर दिया। ओपेसिटी हमने कर दिया हुआ है यहाँ पर 0.9 कर दिया हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक हमने और क्लास बनाई हुई है, एक क्लास हमने क्या बनाई डॉट डब्ल्यू डी के नाम से। अभी आप समझते चले जाइए क्लासेस को। तो डॉट डब्ल्यू डी के नाम से जो क्लास हमने बनाई, इस क्लास में हमने दिया विड्थ 300 पिक्सल, और ठीक इसके बाद हमने हाइट दिया 539 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया, ओपेसिटी हमने 0.8 दे दिया, और पैडिंग हमने यहाँ पर 55 पिक्सल दे दिया। डॉट डब्ल्यू डी और H1, यानी कि डब्ल्यू डी के अंदर H1 के लिए हमने क्या स्टाइल लगाया हुआ है। यहाँ पर एक और क्लास हमने बनाई हुई टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, और यहाँ पर फ्रंट वेट हमने कर दिया 300 पिक्सल। इसी तरह से डॉट डब्ल्यू डी और यहाँ पर H4 के लिए हमने क्या बनाई हुई टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई कर दिया हुआ है, कलर हमने डार्क ग्रे किया हुआ है, और यहाँ पर फ्रंट वेट हमने कर दिया हुआ है 100 पिक्सल। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए डॉट डब्ल्यू डी के अंदर ही हमने H2 के लिए क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर हमने कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, और ठीक इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है अपर केस, और फ्रंट वेट हमने नॉर्मल यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर मार्जिन में हमने क्या दिया हुआ 40 पिक्सल ऑटो कर दिया हुआ है। तो ये हमारा हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अब बात आती है यहाँ पर डॉट ऑप्ट यानी कि फॉर्म, डॉट ऑप्ट के नाम से जो क्लास हमने बनाई हुई यहाँ पर, इसके लिए हमने इनपुट टाइप यहाँ पर बटन दिया, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हमने ब्लैक दे दिया हुआ है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो क्लास है वो बात हो रही है ये वाली चीज़ की, ये जो हमारी जो बटन है इसकी बात हो रही है, और ये चीज़ है पूरा सेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे दिया हमने, और इसके बाद कलर यहाँ पर हमने वाइट दे दिया, यानी कि टेक्स्ट का कलर होता है ये वाइट डिफ़ॉल्ट रहेगा। अगर मैं किसी लाइन में पर्टिकुलर टेक्स्ट नहीं दूंगा तो जो भी टेक्स्ट वहाँ पर दिखेगा वो वाइट ही दिखेगा। और मार्जिन यहाँ पर 14 पिक्सल हमने ऑटो किया हुआ, डिक्रीमेंट ही किया हुआ है। यहाँ पर पैडिंग हमने यहाँ पर देखिए पैडिंग लेफ्ट किया हुआ 50 पिक्सल, और यहाँ पर पैडिंग राइट किया हुआ 50 पिक्सल। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन दे दिया हुआ सेंटर, और फ्रंट साइज यहाँ पर दे दिया हुआ है 16 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से ही आपको करना है। फिर यहाँ पर देखिए फॉर्म के लिए हमने क्या दिया हुआ है, इनपुट टाइप यहाँ पर बटन दे दिया हुआ है, और यहाँ पर एनिमेशन हमने ग्लोबिंग
300 ms इनफाइनाइट दिया हुआ है और फ्रंट वेट हमने यहाँ पर कर दिया हुआ है 500। आप ये कोड देखते चले जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा, और आपको अगर कोड चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल भी करवा दूंगा, आप हमें कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए की फ्रेम ग्लोबिंग में हमने 0% दिया है और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया, यानी कि जो आपको यहाँ पर रेड कलर देखिए, मैं आपको और कोड दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको रेड कलर बहुत ही कम, यानी कि दिख नहीं रहा हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, बहुत कम की बात ही नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने की फ्रेम ग्लोबिंग में हमने यहाँ पर 0% दे दिया हुआ है। अब बात आती है उसकी, और यहाँ पर देखिए 50% हमने किसको दिया, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज को यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर ऑरेंज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर देखिए ऑरेंज दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, इसलिए हमने इसको 50-50 दिया हुआ है इसलिए, और जीरो हमने इसलिए किया क्योंकि आपको समझ में। और यहाँ पर देखिए ब्लू को भी हमने यहाँ पर 100 दिया हुआ है, क्योंकि ब्लू आपको सबसे ज़्यादा देर तक वहाँ दिख रहा है। यहाँ पर देखिए ब्लू आपको सबसे ज़्यादा देर तक आपको होल्ड यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद ऑरेंज थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर इसलिए जीरो हमने इसलिए दिया क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर जीरो देने से यहाँ पर देखिए रेड हमें नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, तो आप कुछ इस तरह से करेंगे ठीक। इसके बाद यहाँ पर आखिरी में हमने एक दे दिया हुआ यहाँ पर बॉडी, और बॉडी के लिए यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इमेज लगाया और उस इमेज की यहाँ पर लोकेशन दे दी हमने, और .jpg उसका एक्सटेंशन है, तो हमने एक्सटेंशन के नाम से उसको सेव कर दिया और यहाँ पर कर दिया स्टाइल को क्लोज कर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर बात आती है, हेड सेक्शन क्लोज होता है हमारा, बॉडी सेक्शन क्लोज होता है। अब ठीक इसके बाद अब यहाँ पर हमने एक DIV लिया, अब मैं इसको स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो वाला DIV है, ये DIV हमारा यहाँ पर क्लोज होता है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो हमारा होम मेन्यू FAQ और कॉन्टैक्ट है, इसके नीचे ये वाला DIV है, और इसके हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, यहाँ पर क्लास अप्लाई की .box के नाम से, तो वो पूरा यहाँ पर जो अप्लाई होगी वो पूरा हमारे होम मेन्यू FAQ कॉन्टैक्ट में ये क्लास अप्लाई होगी, और साथ में DIV ये वाला भी अप्लाई होगा जो कि मेन मेन्यू वाला DIV है। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में आपको दिखा दूँ, बॉक्स के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, तो बॉक्स के अंदर हमने केवल दिया हुआ विड्थ है यहाँ पर 900 pixels दिया, फ्लोट राइट और बॉर्डर 1 pixel सॉलिड नन कर दिया हुआ है। अभी ULLI वाला अप्लाई नहीं होगा, केवल ये .box वाला होगा, ULLI जहाँ पर हमने UL यूज़ किया वहाँ पर UL अप्लाई हो जाएगा। और .main menu की जो हमने आपको क्लास बताई, यहाँ पर मैक्स विड्थ हमने दिया 1250 pixel, मार्जिन ऑटो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, अलाइंस यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनको सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन पैडिंग 0 से 20 pixel रहेगा, बैकग्राउंड कलर येलो, जो कि आपको हमने यहाँ पर समझा भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर येलो है, इन दोनों के बीच में स्पेस है, वहाँ पर हमने स्पेस बिटवीन यूज़ किया हुआ है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। तो आपका ये वाला पार्ट तो क्लियर हो गया, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि अभी इसी में आपको एक चीज़ बता दूँ कि लिंक कैसे बनाना, आपको अभी तो वो हमने नहीं बताया, यहाँ पर ये चीज़ें बताई। अब आपको होम मेन्यू FAQ कॉन्टैक्ट कैसे लिखना है, वो आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़े, जैसे कि हमने आपको बताया ए यानी कि एंकर टैग होता है, आप यहाँ पर अगर कोई इमेज लगाना चाहते वो भी हमने आपको यहाँ पर लिख लिया हुआ, डेटा इमेज आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप इमेज का लोकेशन कॉपी कर देंगे, तो आप यहाँ पर कोई इमेज भी लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर, जैसे कि होम सेक्शन के अंदर आप इमेज लगाना चाहते हैं आप होम में इमेज लगा सकते हैं। और फिर हमने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है और यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर लिख दिया होम और ए को कर दिया क्लोज, ठीक इसी तरह से ए टैग लिखा, यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं, HREF के अंदर आप वहाँ पर लिंक दे दीजिए उस चीज़ की, और यहाँ पर मेन्यू को लिखिए और यहाँ पर कर दीजिए क्लोज, तो आपको वहाँ पर मेन्यू दिखने लगेगा। ए लिखिए फिर से यहाँ पर FAQ लिखिए, अब इसको मैं अभी एक बार यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहे। आपको इतना काम HREF ये आपको करना पड़ेगा, EE हो गया यहाँ पर, तो ये चीज़ें आपको अभी करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पर इक्वल का साइन दिया और यहाँ पर आप जो भी लिंक लगाना है तो आप इसके बीच में आप लिंक लगा सकते हैं, आप अगर जितना भी करते हैं तो आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। आप यहाँ पर HREF में आप लिंक लगाइए और डेटा इमेज अगर आप लिखेंगे तो आप वहाँ पर इमेज लगा सकते हैं, हमने केवल इसीलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए अभी ये अभी से कोई चेंज नहीं हुई ना, तो इसी तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आपको बस केवल लिंक यहाँ पर लगा देनी है और आपको वहाँ पर प्रॉपर वो काम करने लगेगा। फिर ये वाला भी हमारा DIV क्लोज होता है मेन मेन्यू वाला। अब हमने क्या दिया, दूसरा क्या लिया, हमने यहाँ पर DIV क्लास लिया हुआ है और इसमें क्लास में हमने WD के नाम से यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। अब WD वाली क्लास में हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। WD वाली क्लास में हमने यहाँ पर दिया हुआ है विड्थ 300 pixel, हाइट 539 pixel, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक और ओपेसिटी 0.8, पैडिंग हमने यहाँ पर दे दिया 55 pixel। और इसी के अंदर अगर हमने WDH1, WDH4, WDH2 ये वाली भी हमने बनाई हुई है, तो जहाँ पर हमने ULLI यूज़ किया हुआ है वहाँ पर वो क्लासेस अप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया हमने .WD वाली क्लास यहाँ तक अप्लाई हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर H1 में हमने क्या दिया, यहाँ पर स्टाइल दे दिया, यहाँ पर कलर हमने इसका येलो कर दिया हुआ है। और यहाँ पर BTAG के अंदर हमने क्या दिया हुआ है, द डेविड सोटल यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा BTAG
यानी कि बोल्ड हमें स्क्रीन में दिखे और एच मैंने कर दिया क्लोज। तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए द डेबिट टोटल आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देखिए हमने येलो दिया, तो आपको यहाँ पर डेबिट टोटल का कलर आपको येलो दिख रहा है, टेक्स्ट भी आपको यहाँ पर बोल्ड दिख रहा है। तो ये चीज़ आपको ऐसे बनानी है। फिर इसी तरह से हमने एच फोर यहाँ पर लिया हुआ है, एच फोर के अंदर हमने आई इसलिए लिया हुआ है यानी कि हमें प्लीज बुक योर रूम ऑनलाइन 100% फैसिलिटी, ये जो लिखा हुआ है इसको हम इटैलिक दिखाना चाहते हैं यानी कि टेढ़ा दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने इसके पहले आई लिया हुआ है और इसके बाद आई को कर दिया है क्लोज। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और एच फोर के अंदर में रखा, यहाँ पर ये देखिए प्लीज बुक योर रूम ऑनलाइन 100% फैसिलिटी, आपको टेढ़ा दिख रहा है टेक्स्ट, द डेबिट होटल और क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर बुकिंग बुक नाउ, इसके कंपेयर में अगर देखें तो इसके लिए आपको इटैलिक टैग लगाना पड़ता है, आई टैग। तो हम वही आपको कुछ इस तरह से दिखा देता है। अब इसके बाद देखिए अपने प्रोग्राम में चलते हैं, इसके बाद एक हमने एस2 लिया और यहाँ पर लिखा क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर बुकिंग, क्लिक ऑन बुक नाउ, आपको बुक नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर चलिए मैं इसको इसके अंदर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर बुकिंग। तब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये दिखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो ये देखिए क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर बुकिंग, आप इस बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ये हमारा कुछ इस तरह से प्रोग्राम है और S2 के अंदर हमने दिया इसको। इसके बाद DIV एक और हमने लिया और यहाँ पर अब क्लास अप्लाई कर दी opt के नाम से क्लास जो बनाई थी हमने उसको यहाँ पर अप्लाई कर दी। तो उसमें हमने क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, इसमें हमने दिया हुआ है अब ये हमारा इनपुट सेक्शन बड़ा, इनपुट टाइप हमने बटन दिया, बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर ब्लैक दिया और यहाँ पर कलर इसका टेक्स्ट का हमने व्हाइट दे दिया। फिर पैडिंग वगैरह मार्जिन वगैरह आप यहाँ से देख लीजिए, एक बार हमने आपको समझा दिए, और टेक्स्ट लाइन सेंटर फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, पैडिंग राइट 50 पिक्सल, ये सभी चीज़ें दे दी हैं। तो इसमें हमारा फिर वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डॉट ऑप्ट वाले इनमें सेक्शन में, तो ये हमारी क्लास अप्लाई होती है और ये वाला हमारा जो डॉट ऑप्ट है वो किस में अप्लाई होगा, हमारा अप्लाई होगा वो यहाँ पर बुक नाउ वाली वैल्यू में, क्योंकि यहाँ पर हमने एक फॉर्म भी बनाया हुआ है और फॉर्म में एक्शन हमने यहाँ पर पुश परफॉर्म नहीं करवाया लेकिन मेथड हमने पोस्ट दे दिया। आप यहाँ पर कुछ चाहते तो आप लिख भी सकते हैं, हमने आपके लिए समझने के लिए लिख दिया हुआ है कि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो। एक हमने ए आपको पता है कि लिंक लगाने के लिए करते हैं, तो आप यहाँ पर HREF के अंदर यहाँ पर आप कोई भी लिंक दे सकते हैं और यहाँ पर इनपुट टाइप बटन, यहाँ पर आपकी बटन बन गई और वैल्यू उसकी हमने रख दी है बुक नाउ। तो आप कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है आपको ये मिल चुका है बुक नाउ। और अगर आप यहाँ पर कोई लिंक जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दे दी, जैसे कि आप यहाँ पर एक फॉर्म बना लीजिए, जैसे हमने लॉगिन पेज अटैच किया था, तो अब आपको यहाँ पर सेम एक फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने में आपको लिखना है वहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड बुकिंग के लिए और यहाँ पर उस फॉर्म की यहाँ पर लिंक अप्लाई कर देना है। फिर आप यहाँ पर जैसे ही आप बुक नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको सेम उस पेज तक वो पहुँचा देगा, वहाँ पर यूजर नेम रखेंगे फिर आप वहाँ से फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वेबसाइट समझ में आई होगी। अगर आपको इस कोड की कोड चाहिए आपको ये पूरा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, यहाँ नीचे का है और मैं इसको एक बार ऊपर भी स्क्रॉल कर दूँगा तो आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बॉडी का बैकग्राउंड अभी आप यहाँ से ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, और थोड़ा सा इसके ऊपर वाला पार्ट और है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन से मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन वाले सेक्शन से यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर आप यहाँ से एक बार ले लीजिए, ये पूरा आपके यहाँ से पूरा कोड क्लियर हो जाता है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए इसका या कोड चाहिए तो आप मुझे पर्सनली आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको जब भी देखूंगा तो आपको कोड प्रोवाइड करवा दूंगा। आशा करता हूं कि आपको वेबसाइट अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपने अगर इस वेबसाइट को देखी, ये खूबसूरत वेबसाइट है, आप इसको भी देखिएगा और आप इसको भी सीखिए बनाना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।